हो ही रहा है। मृत्यु का इतना जबरदस्त अधिकार है, हर जीव को जायते वर्धते परिणमते अपक्षियते नश्यति, ये छह अवस्था में लेकर के एकदम अपने में दबोच लेता है। किंतु एक बात याद रखना, तुम लोग सोचो कि भैया भारतवर्ष में हम लोग जहां तहां रहेंगे तो मरना पड़ेगा, दिल्ली राजधानी है तो हम मरना नहीं पड़ेगा, मां दिल्ली में भी रोजाना मरते हैं लोग। फिर कहो भैया दिल्ली भी में तो मरते होंगे, भारत देश कोई ज्यादा यहाँ इंतजाम ठीक नहीं है, अमेरिका में लोग मरते ना होंगे, अमेरिका ही मरते हैं हाँ? अमेरिका भी मरते हैं क्या लोग? अजी क्यों नहीं, वहां भी मरते हैं। फिर स्वर्ग में नहीं मरेंगे कोई, स्वर्ग में जाके देखो रोजाना वहां लोग मरते रहते हैं, वहां भी टिक नहीं पाता कोई भी सदा। महाराज ब्रह्मा जी के पास चले जाओ, वहां से तुम गिरोगे मरोगे, शिव लोक में चले जाओगे वहां भी तुमको मौत छोड़ेगा नहीं। आ विरिंच्यात अमंगलम, मृत्यु का सर्वत्र अधिकार है, मृत्यु का सर्वत्र अधिकार है। कीड़े मकोड़े से लेकर के ब्रह्मा तक किसी को नहीं बकसता मृत्यु, देवी देवते ऋषि मुनि इंसान पशु पक्षी पेड़ पौधे सब मृत्यु के मुंह में रोजाना 24 घंटा चबाया जा रहा है, चबाया जा रहा है, और मृत्यु निकला जा रहा है, चबाया जा रहा है, निकला जा रहा है, चबाया जा रहा है, निकला जा रहा है। किंतु भागवतकार कहते एक स्थान है जहां मृत्यु का अधिकार नहीं है, कहां है? जहां कृष्ण कथा कृष्ण नाम कृष्ण भजन जहां होता है उस स्थान पर मृत्यु का अधिकार नहीं है। जो लोग कृष्ण नाम जप करते कृष्ण ध्यान करते कृष्ण कथा सुनते उनको दोबारा मृत्यु के काबू में, मृत्यु किसी के मत काबू में कर ही नहीं पाता है। नई सांग वयम न च वय प्रभवाम दंडे, यमराज ने कह दिया है यमदूतों खबरदार नारायण के भक्तों के पास मत जाना, भूल के मत जाना, जबरदस्त विपत्ति में फंसोगे तुम लोग। जिन जिन लोगों ने भगवान नारायण का आश्रय लिया हरि नाम का जप शुरू कर लिया उनको पास कभी ना जाना भूल के, वो भगवान नारायण के द्वारा सुरक्षित हैं। हरि नाम जपने वाला कभी मरते नहीं है, याद रख लो। आप तो कहोगे मरते तो हैं सब लोग, हमारे सामने मर रहे हैं, वो मृत्यु के काबू में नहीं आते, कभी भी नहीं आते। हरि भक्तों के अंतिम समय आते हैं तो सीताराम जी के भक्तों को श्री हनुमंत लाल जी महाराज जी अपने कंधे पर बिठा के ले जाते हैं भगवान के चरणों में। स्वर्ग में देवता उनको आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। लक्ष्मी नारायण के भक्तों को नंद सुनंद ले जाता है, गरुड़ जी ले जाते विशेष भक्तों को, और भगवान राधा गोविंद जी के भक्तों को भगवान राधा जी की सखियां आकर के असखी रूप देकर के साथ में लेके चलती चली जाती वृंदावन में। और जब जाती हैं भगवान के भक्त, जब भगवान के धाम को जाते हैं उनका कितना समादर स्वर्ग लोक में, शिव जी महाराज जी शिव लोक में उनके आरती उतारते, माला पहनाते, चरण धोते हैं, ब्रह्मा जी उनका आरती उतारते हैं, चरण धोते हैं, सम्मानित करते हैं, और वो जाता भगवान के धाम। गरुड़ स्कंद मारप्य अर्चिरादि गतिंग बिना नयामी परम स्थानम, ये वेदांत में पुराण में लिखा है। नारायण के भक्त नरक में नहीं जाएगा, स्वर्ग में नहीं जाएगा, वो तो दिव्य गति को प्राप्त करके भगवत धाम को जाएगा जहां समस्त देवता ब्रह्मा शिव ऋषि मुनि भृगु और सनकादिक ऋषि उनको सम्मान करेंगे, पूजा करेंगे, सबकी पूजा लेते वैकुंठ जाएगा।